अगर आपने Shopify के ऊपर स्टोर बना के उसका जो ट्रायल है 20 रुपए वाला उस पर क्लिक करा होगा और जब वो 20 रुपए के ट्रायल के लिए आपने पेमेंट करने की कोशिश करी होगी तो वहां पर 5,000 रुपए का कोई मैसेज आता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि Shopify आपके अकाउंट से 5,000 रुपए कट करेगा या इसका कुछ और मतलब है? तो आज की इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं। अभी मेरे पास कुछ दिन पहले किसी का मैसेज आया था एंड उन्होंने Shopify के ऊपर अपना स्टोर बनाया था। स्टोर बनाने के बाद जो Shopify का ट्रायल प्लान होता है ना उसकी वो पेमेंट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पेमेंट करते हुए उनके सामने 5,000 रुपए का मैसेज आया था। भाई 5,000 रुपए का जो मैसेज आया था तो उसे लेकर वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गए थे। उन्हें लगा कि Shopify तो उनके अकाउंट से 5,000 रुपए कट करने वाला है, लेकिन उन्होंने जो प्लान देखा था वो तो 20 रुपए का था। तो दोस्तों ये जो 5,000 रुपए का मैसेज आता है ना, ये कोई आपसे पैसा चार्ज नहीं करा जाता, ये बेसिकली मैंडेट होता है। मैंडेट बोले तो Shopify आपसे परमिशन लेता है कि 5,000 रुपए तक का अगर कोई भी बिल आता है या इनवॉइस जनरेट होता है तो वो Shopify ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से कट कर लेगा। और अगर कोई बिल या इनवॉइस 5,000 रुपए से ऊपर का है तो Shopify आपसे या तो उसे मैनुअल सेटल करने के लिए बोलेगा या फिर कोई एडिशनल रिक्वायरमेंट आपसे पूरी करवाए। तो इसे और अच्छे से समझने के लिए ना मैं एक एग्जांपल लेता हूं। तो मान लीजिए आपने एक Shopify स्टोर बनाया है। Shopify स्टोर बनाने के बाद जो ये ट्रायल आता 20 रुपए वाला, इन सबको आपने क्लिक कर दिया है और ये 5,000 का मैंडेट आया था, मैं मानता हूँ आपने इस पे भी क्लिक कर दिया। इसके बाद आपका पहला मंथ है अपने स्टोर को चलाते हुए, और जब आपका पहला मंथ है तो आपने स्टोर के ऊपर ज्यादा चीजें नहीं करी, सिर्फ उसके डिजाइनिंग पार्ट को प्रोडक्ट अपलोड करने पे इन सब चीजों पे ही काम करते गए और आपने कोई भी एडिशनल सर्विस नहीं ली, बस आपने अपने स्टोर को सेटअप करने के ऊपर काम करा है। तो यहाँ पर जो आपका बिल जनरेट होकर आया वो सिर्फ प्लान का आया 20 रुपए का, और ये जो 20 रुपए होते हैं इनके साथ GST भी लगता है। तो आगे वीडियो में मैं GST ऐड नहीं करूंगा, तो वो आप मान जाना कि GST लगना ही लगना है हर ट्रांजैक्शन के ऊपर। तो पहले महीने के जो बिल आया 20 रुपए, तो Shopify आपसे वो 20 रुपए ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से कट कर लेगा, क्योंकि ये जो 20 रुपए की अमाउंट है ना वो 5,000 रुपए से कम है और आपने Shopify को परमिशन दे रखी है कि 5,000 से कम की अमाउंट का अगर कोई बिल जनरेट होता है तो वो Shopify अपने आप कट कर सकता है। अब ऐसे आप दूसरे महीने पे पहुंच गए, दूसरे महीने में आपने जो अपना Shopify स्टोर है उसे चला रहे हो, उसके प्रमोशन भी कर रहे हो, तो करते करते आपके जो Shopify स्टोर है उसके ऊपर 1,00,000 रुपए की ट्रांजैक्शन हो जाती है। लोगों ने परचेज करा है सामान और लोगों ने ऑनलाइन जो ट्रांजैक्शन करी है वो 1,00,000 रुपए की होती है। तो यहाँ पर जो Shopify है वो ट्रांजैक्शन फी भी चार्ज करता है। और अगर आपको ट्रांजैक्शन फी के बारे में नहीं पता क्या है Shopify की, तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वो भी देख सकते हो। तो यहाँ पर जो 1,00,000 रुपए की ट्रांजैक्शन हुई है तो इसके ऊपर Shopify 2% का ट्रांजैक्शन चार्ज लगाता है। तो 1,00,000 रुपए के जो 2% होता है वो होता है 2,000 रुपए। 2,000 रुपए की ट्रांजैक्शन चार्ज प्लस ये जो 20 रुपए का आपका जो बेसिक प्लान है, ये तब इन दोनों को मिला के 2,020 रुपए का इनवॉइस जनरेट होने वाला है दूसरे महीने का। अब ये जो इनवॉइस है बिल है इसकी जो अमाउंट है 2,020 रुपए, ये 5,000 रुपए से कम है। तो दूसरे महीने भी Shopify आपके अकाउंट से ऑटोमेटिकली जो 2,020 रुपए इसे कट कर देगा। तो उसके लिए आपको कोई OTP या कोई भी मैन्युअली वेरिफिकेशन करने की जरूरत नहीं होगी। Shopify का जैसे बिल जनरेट होगा 2,020 रुपए आपके अकाउंट से कट हो जाएंगे। अब इसी तरीके से हम तीसरे महीने पे पहुंच गए। अब तीसरे महीने पे मानते हैं कि आपका जो स्टोर है बहुत अच्छे से काम कर रहा है। अब इतना अच्छे से काम कर रहा है कि आपका जो स्टोर है उसके ऊपर 10,00,000 रुपए की ट्रांजैक्शन हो जाती है। अब जो 10,00,000 रुपए की ट्रांजैक्शन हुई, अब उसका जो ट्रांजैक्शन फी है वो 20,000 रुपए बनती है। अब 20,000 रुपए प्लस जो बेसिक आपका जो प्लान 20 रुपए वाला ही है, तो 20,020 रुपए का जो ये आपकी अमाउंट है, अब ये जो Shopify का बिल जनरेट होगा तीसरे महीने का, ये आपके अकाउंट से वो ऑटोमेटिकली कट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि आपने जो उसे परमिशन दे रखी है ना Shopify को, वो सिर्फ 5,000 रुपए तक की दे रखी है, लेकिन ये अमाउंट तो 20,020 रुपए का है। अब यहाँ पर जो अमाउंट 20,020 रुपए का है, इसके लिए Shopify आपको बोलेगा या तो मैनुअली इस अमाउंट को सेटल करो या फिर वो आपसे कोई एडिशनल रिक्वायरमेंट पूरी करवाएगा, लेकिन वो ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से 20,020 रुपए कट नहीं करेगा। तो यहाँ पर आप समझ सकते हो कि आपका जो भी बिल या इनवॉइस जनरेट होगा जिस भी महीने का, अगर वो 5,000 से कम है तो Shopify वो ऑटोमेटिकली कट कर लेगा, 5,000 से ज्यादा है तो आपको मैनुअली या एडिशनल रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ेगी। तो ये जो मैंडेट है वो इस तरीके से काम करता है। तो आपकी जो कंफ्यूजन है कि क्या जो मैंडेट आता है 5,000 रुपए का, इससे आपके पैसे एक साथ कट हो जाएंगे, तो नहीं, वो आपके अकाउंट से पैसे कट नहीं करेगा। वो 1 या 2 रुपए आपसे मे बी कोई ऑथराइजेशन के लिए चार्ज कर दे, लेकिन आपसे वो और कोई भी पैसा चार्ज नहीं करेगा जब आप ये 5,000 रुपए वाले मैसेज पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आपके हर महीने बिल जनरेट होंगे, उन जो बिल का अमाउंट होगा उसे देखकर ये जो 5,000 रुपए वाली लिमिट है वो आएगी। तो आपको पता है इससे फायदा क्या होने वाला है? Shopify के ऊपर ना बहुत सारे प्लगइन्स होते हैं और वो जो प्लगइन्स होते हैं ना वो पेड भी होते हैं। कई बार हम उन्हें इंस्टॉल कर देते हैं और हमें पता ही नहीं होता या हमने ध्यान नहीं दिया होता था कि वो पेड प्लगइन है या उसकी जो फ्री लिमिट है उसे आपने क्रॉस कर दी है। तो ऐसे में कई बार जो बिल जनरेट होकर आता है ना वो बहुत बड़ा बिल जनरेट होता आता है। कई बार तो ऐसा भी हो 1,00,000 रुपए के अंदर भी बिल जनरेट होकर आया। और अगर ऐसा हुआ कि 1,00,000 रुपए का बिल जनरेट होकर आया
और शॉपिफाई के पास अनलिमिटेड की परमिशन है, तो आपके अकाउंट में मान लो 1,00,000 रुपए पड़ा है तो एक साथ ही कट कर देगा। लेकिन इस मैंडेट से सिक्योरिटी ये होती है कि आपको भी पता हो कि हाँ भाई 5,000 रुपए तक का ही पैसा कट कर सकते। अगर उससे ज्यादा का पैसा कट करना है, 1,00,000 रुपए, 2,00,000 रुपए या 5,001 रुपए भी कट करना है ना, तो वो आपसे एडिशनल रिक्वायरमेंट मांगेगा ही मांगे। तो यहाँ पर आप भी सेफ रहते हो और साथ के साथ शॉपिफाई को भी इजी रहता है, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली अपना जो इनवॉइस है उसे चार्ज कर सकता है। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। तो आई होप मैं आपको समझा पाया हूँ कि जो 5,000 रुपए मैंडेट है इसका क्या सीन है शॉपिफाई को लेके। तो अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन है, कोई सवाल पूछना है, कोई फीडबैक है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। धन्यवाद।